ऑनलाइन गेमिंग इज बूमिंग इन इंडिया। अब हर कोई दूसरा बंदा आपको पबजी या तो फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलते हुए दिख जाएगा, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर का बच्चा अभी भी बोलता है कि भाई मेरे को ऑफलाइन गेम्स ही खेलने हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको स्टोरी में इंडल्ज होना पसंद है, जिनको वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना पसंद है इन द गेम इटसेल्फ ऑफ कोर्स, मैं लाया हूँ कुछ ऐसी गेम जिसको तुरंत डाउनलोड करके खेलना चाहिए आपको, ताकि आप बोरियत से रहें दूर। So this is me Sameer and you guys are watching Geeky Fight. Without further ado, I think we should start today's video. जो भी मैं गेम्स अभी बताने वाला हूँ उनमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, hence these games are offline games. But आपको स्टार्टिंग में फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप गेम रन करो तब आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत हो सकती है, बिकॉज देयर आर सम बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो वेरीफाई करते हैं आपकी गेम्स की फाइल को कि वो जेन्युइन है कि नहीं। वंस दैट इज डन, you are free to play any game, right? जो मैं बताने वाला हूँ, obviously that. So without wasting any time, let's start with the number one. Start करते हैं पहले एक arcade game से, because arcade genre is one of my favorite, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, ज़्यादा strategy बनानी पड़ती. All you have to do is just open the game, play it and enjoy. तो मेरा suggestion आपके लिए offline games में arcade genre में है Arrow Master. So as the name suggests itself, it's an archery game. तो यहाँ पे आपको bow and arrow से wooden planks, beer की bottles या तो dishes पे target करना होता है, and you have to aim for the bullseye, क्योंकि यहाँ पे ranking based system है. Ranking based कैसे? आपको out of 3 stars मिलेंगे जो भी आपकी performance रहेगी. 3 out of 3 is just amazing, 2 is average and 1 is poor. तो आप कैसे player है decide कर सकते हैं आप खुद. And the gameplay mechanics itself is just phenomenal, क्योंकि यहाँ पे आपको actually as a फील होगा कि आप खुद बो एंड एरो लेके शूट कर रहे हैं एरोज एट द टारगेट. एंड यहाँ पे जो गेम प्ले है, जिस तरीके के फिजिक्स यूज किए गए हैं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज द गेम इटसेल्फ इज ऑफ पेशेंस. अगर आप में पेशेंस नहीं है तब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा हार्ड टाइम जरूर फेस करेंगे इन दिस एरो मास्टर गेम. सो जैसे जैसे आप लेवल अप करेंगे आपको नए नए बोज एंड एरोज मिलते जाएंगे, हेंस आपकी जो पावर्स हैं वो बढ़ती जाएगी, साथ में जो टारगेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते जाएंगे. मेरा फेवरेट टारगेट है जब ड्रोन एक वुडन प्लैंक लेके आता है एंड यू हैव टू शूट इट, क्योंकि जो ड्रोन होता है इट इज़ एन मूविंग ऑब्जेक्ट. एंड ये जो लेवल है ये थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, हेंस मेरे को ये ट्रिकी सिचुएशन फेस करने में थोड़ा मज़ा आता है. अगर आपको भी आता है तो मेक श्योर यू डाउनलोड दिस गेम एंड प्ले इट एज वेल. So, ये गेम आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे दोनों जगह मिल जाएगा एंड इट इज फ्री. सेकेंड गेम है कॉम्बैट मास्टर. ये गेम उनके लिए है जिनको फास्ट पेस्ड FPS गेम्स पसंद है, जो फ्रंट पर्सन शूटर का मजा लेना चाहते हैं, ये गेम उनके लिए है. साथ में दिस इज एन ऑफलाइन गेम, दैट मीन्स आपको जरूरी नहीं इंटरनेट के थ्रू इसको खेलना, या तो फिर आपको दोस्त चाहिए अच्छे प्लेयर्स के रूप में जो आपकी हेल्प कर सके मिशन पार करवाने में. यहाँ पे एज सच किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज वन सिंपल इन ईजी गेम, दैट डजंट मीन इसका जो गेम प्ले है वो खराब है. सो इस गेम में आपको अपनी गन के साथ एक डेडिकेटेड मिशन पूरा करना होता है एंड वन ऑफ माई फेवरेट मिशन इज सर्च एंड डिस्ट्रॉय. वही सर्च एंड डिस्ट्रॉय जो CS:GO में खेला जाता है आज की तारीख में भी, जहाँ पे आपको या तो बॉम्ब प्लांट करना होता है या तो बॉम्ब डिफ्यूज, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इटसेल्फ. आपको इन दोनों में से एक काम करना होता है, इफ यू आर सक्सेसफुल यू विन द राउंड. So this game has realistic physics and ballistics, और साथ ही साथ आप over 180 weapons में से choose कर सकते हो जो आपको पसंद है. और तो और अगर आपको पसंद है अपने दोस्तों के साथ ये game खेलना तो वो भी possible है, because you can play this game online as well. So ये game खेल के मेरे को CS:GO की याद आ गई, because इस game की जो skill ceiling है वो काफ़ी ऊपर है. That doesn't mean कि ये game is difficult to play, it is very easy to play but hard to master. ये game है तो अगर आप ये game खेलते हैं तब आपको काफ़ी practice, काफ़ी patience वापस चाहिए होगा ताकि आप इस game में excel कर पाए. तो एक दो टिप लेते जाओ, अगर आपको ये गेम खेलना पसंद ही है तो ये कि आपको इस गेम के अंदर कवर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा ताकि कोई दूसरा बंदा आपको मार ना दे. साथ में आपको डेडिकेटेडली जो मिशन है, जो मोड आप खेल रहे हो उसके एक्टिवली जो मिशन चल रहा है उस पर फोकस करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप लौते बचे हो एंड फिर भी बम फट जाता है, इन दैट केस ऑल्सो यू लूज द राउंड. तो इस गेम में आप डिफरेंट गन्स ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट मैप्स ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट गेम मोड्स ट्राई कर सकते हैं. तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल ऑफलाइन FPS गेम. अगर आपको FPS गेम पसंद है ऑफलाइन खेलना तो आप प्लीज इसको जाके तुरंत डाउनलोड कीजिए एंड मेक श्योर यू प्ले इट. सो GTA San Andreas एंड Vice City किसने नहीं खेली यार, वो दोनों गेम्स तो अभी फोन पे भी अवेलेबल है. अगर आप उनको खेलने का शौक रखते हो तो जाओ उसको डाउनलोड करो, बट ओनली थिंग इज कि वो पेड है. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक ऐसी गेम है
जो आती है काफी अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स के थ्रू, जो आपको GTA वाला फील ही देगी। एंड दैट गेम इज गैंगस्टर 4। सो दिस गेम इज इंस्पायर्ड बाय GTA इटसेल्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये गेम भी ओपन वर्ल्ड गेम है, यहाँ पे आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ में अगर आप उनमें से हो जिनको स्टोरी मिशंस करना पसंद है तो वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज है क्या, दिस इज बीन इंस्पायर्ड बाय द GTA, सो यू नो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्टोरी इन इट। साथ में अगर आप स्टोरी मिशंस नहीं, साइड मिशंस वाले हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। हेंस द ओवरऑल गेम पैकेज इज जस्ट अमेजिंग। और तो और यहाँ पे आपको व्हीकल्स के भी वेरिएशंस मिल जाते हैं, तो जो मर्जी चाहे वो गाड़ी आप उठा के घूम सकते हो। और तो और द होल फंडा इज कि यहाँ पे आपको रॉबरी करनी होती है, क्राइम्स करने होते हैं, तो ये जो गेम है थोड़ी सी मैच्योर्ड ऑडियंस की तरफ टारगेट करता है। तो अगर आप 18 बिलो है तो प्लीज़ माई रिक्वेस्ट इज कि मत खेलिए इस गेम को, नॉट गुड फॉर यू, नॉट मेड फॉर यू। बट अगर आप 18 अबव है, जिनको वायलेंस पसंद है, जिनको क्राइम पसंद है, जिनको थोड़ी सी ऐसी ट्रेजिडी वाली चीज़ें पसंद है ना, तो फॉर श्योर गेम उनके लिए है। मेक श्योर इसको डाउनलोड कीजिए एंड आप खेलिए। सो आपको नहीं पसंद ओपन वर्ल्ड गेम, आपको नहीं पसंद कि इतने बड़े बड़े गेम्स आप अपने फ़ोन में खेले, या तो फिर आपका फ़ोन है वो अभी नहीं चला पा रहा है ये सारे गेम्स, डोंट यू वरी, बिकॉज आपके लिए मैं एक ऐसी गेम लाया हूँ जो काफ़ी फन है खेलने में, एंड इट इज़ रियली रियली हैवी ऑन फिजिक्स, एंड द गेम्स नेम इज़ स्मैश इट। सो दिस इज अ फिजिक्स बेस्ड पजल गेम, जहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल्स को ब्रेक करना होता है बाय थ्रोइंग बॉल्स एट इट, एंड दोज ऑब्स्टिकल्स आर मेड अप ऑफ ग्लास, सो यू हैव टू एम वेरी केयरफुली एंड हिट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन, बिकॉज यहीं पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी जल्दी आप लेवल क्लियर कर पाओगे। और तो और इसकी जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आर्ट स्टाइल मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। साथ में जो म्यूज़िक है इट इज़ डिज़ाइंड टू मेक यू फील रिलैक्स, तो आप इसको तब खेल सकते हैं जब या तो आपको किसी से ध्यान हटाना हो, या तो आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो, या तो आपको स्ट्रेस बर्स्ट करना हो, तब जाके आप ये गेम खेल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी द गेम इटसेल्फ इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। वैसे तो ये गेम ऑफलाइन है, लेकिन आप इस गेम को ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल न्यू मोड्स मिल जाते हैं, नए चैलेंजेस मिल जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे चैलेंजेस से ओवरकम करना पसंद है, तब आप जाके ऑनलाइन पे इस गेम को भी खेल सकते हैं, एंड इट इज़ वन फैंटास्टिक गेम। तो आप इसको मेक श्योर कीजिए कि डाउनलोड कीजिए एंड यू प्ले इट राइट। एक और मैं शूटिंग की गेम लाया हूँ, दिस गेम इज फॉर पीपल हु लाइक्स टू स्नाइपर, एंड द गेम नेम इज स्नाइपर 3D। सो इन दिस गेम यू आर अ ट्रेंड स्नाइपर असैसिन, एंड आपको काफी सारे मोर देन हंड्रेड ऑफ मिशन पूरे करने पड़ेंगे इन दिस गेम विथ ओनली यूजिंग योर स्नाइपर, एंड मेक श्योर कि आप जो भी शॉट लें वो इतना एक्यूरेट हो, बिकॉज एवरी शॉट काउंट्स एंड इट विल मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड अगर आप वो शॉट मिस कर जाते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द गेम इज द ग्राफिक्स, द ग्राफिक्स लुक जस्ट फैंटास्टिक, एंड द गेम प्ले, द फिजिक्स इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप एक मोबाइल गेम खेल रहे हो। ओवरऑल द गेम क्वालिटी इज जस्ट फैंटास्टिक। अगर आपको ऐसे स्नाइपिंग गेम्स पसंद है, तब आपको ये ज़रूर से बहुत अच्छा लगने वाला है, बिकॉज इस गेम में सब कुछ है। यहाँ पे आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, आप अपने वेपन्स को अपग्रेड कर सकते हो, यहाँ पे जो सिनेरियोस क्रिएट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते ही नहीं हो एक मोबाइल गेम से, बट इट डिलीवर्स। हेंस अगर आपको स्नाइपिंग पसंद है तो मेक श्योर कीजिए आप इस गेम को डाउनलोड कीजिए एंड डू प्ले इट, एंड कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको ये गेम कैसा लगा। तो जो ये अगला गेम मैं बताने वाला हूँ, ये काफ़ी पुराना ज़रूर है, लेकिन अभी भी इसकी जो गेम प्ले है इट इज़ टॉप नॉच, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इसको बचपन में खेलता था, एंड जब मैंने इस वीडियो के लिए इस गेम को वापस डाउनलोड किया एंड खेला, एंड ट्रस्ट मी द थ्रिल इज सेम, एंड द गेम नेम इज फैक्टर। सो दिस इज अ साइड स्क्रोलिंग पार्कोर गेम, यहाँ पे आप स्लाइड कर सकते हो, जंप कर सकते हो, क्लाइंब कर सकते हो, एंड वॉट नॉट एल्स। ये गेम काफ़ी पुराना है, एंड द ओवरऑल मैकेनिक्स हैव बीन पॉलिश्ड टिल इट्स परफेक्शन, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इस गेम को जब वापस खेला, आई गॉट हुक्ड अगेन। सो दिस गेम फीचर्स वेराइटी ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड पावर अप्स टू कीप यू एंटरटेन, साथ में यू हैव टू बी एजाइल एंड फास्ट अगर आपको लेवल्स पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है इस गेम की, बिकॉज इसकी जो लेवल्स है वो धीरे धीरे विथ टाइम विथ स्टेजेस डिफिकल्ट होती जाती हैं, एंड यू हैव टू कीप अप विद द फिंगर, बिकॉज अगर आपने अपने पीछे वाले एजेंट से पीछा नहीं छुड़ाया तो आप पीछे हो जाएंगे। सो लेट्स गेट बैक टू द रेट्रो एरिया, जहाँ पे 8-bit गेम्स खेले जाता था, इफ यू रिमेम्बर मारियो, कॉन्ट्रा और
स्पेस, गैलेक्सा, ये सारे गेम्स हैं जो 8-bit में खेले जाते हैं। वैसे ही एक गेम मैं आपके लिए भी लाया हूँ फॉर ऑल दोज रेट्रो गेम्स लवर, जिसका नाम है सोल नाइट। दिस इज अ रोग लाइक डंजन क्रॉलर गेम जहाँ पे आपको डंजन्स क्लियर करनी पड़ती है, एनिमीज को मारना पड़ता है विद डिफरेंट वेपन्स एंड यू हैव टू एक्सप्लोर द डंजन इटसेल्फ आल्सो। तो इन शॉर्ट ये एक एक्सप्लोरिंग साथ ही साथ एक्शन गेम है, साथ में यू कैन ऑल्सो कॉल इट एन RPG एज वेल। तो आप इस गेम में 170 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स में से चूज कर सकते हैं जो कि खुद की स्पेशल एबिलिटीज के साथ आते हैं, और तो और मोर देन 270 वेपन्स आर अवेलेबल इन दिस गेम टू यूज इट। तो इन माई ओपिनियन ये गेम बोर तो आपको करेगा नहीं किसी भी एंगल से, यू कैन ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू कैन मेक योर कैरेक्टर बेस्ट बाय यूजिंग द बेस्ट वेपन और मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ योर एबिलिटीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो गेम है ये रेट्रो गेम है, हेंस ये आता है पिक्सल आर्ट ग्राफिक्स के साथ, और तो और इसमें आपको रेट्रो म्यूजिक भी मिल जाएगा, हेंस गिविंग यू दैट प्रॉपर नॉस्टैल्जिक फीलिंग। सो यू कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम लोकली विथ योर फ्रेंड, आपको इंटरनेट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आप इंटरनेट के थ्रू खेलना ही चाहते हो तो यहाँ पे को ऑप ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको कहीं दूर दराज बैठे हुए दोस्त के साथ ये गेम खेलना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आई थिंक द गेम इज एंजॉयबल एंड एडिक्टिव एंड इट्स फॉर दोस्त जिनको डंजन स्टाइल्ड गेम पसंद है, RPGs पसंद है जिनको, उनको ये गेम जरूर से पसंद आने वाला है। इन दिस गेम ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लेवल अप, आपको अपनी एबिलिटीज का बहुत अच्छी तरीके से यूज करना होगा, साथ में आपके वेपन से उनको अपग्रेड करना रहेगा ताकि आप अनबीटेबल बन जाए। अनबीटेबल होने के लिए आपको एक और चीज करनी जरूरी है, पता है क्या? इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर पाए, और तो और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि कौन सी गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कौन सी आप ऑलरेडी खेल रहे हो या तो आप खेलने वाले हो। मैं सोल नाइट काफी टाइम से खेल रहा हूं, मेरे को काफी ये गेम पसंद है, तो आपकी कौन सी मेरे को जरूर से बताइएगा। एंड ऑन दिस नोट दिस इज मी समीर साइनिंग ऑफ एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए कीप गेमिंग।